आप सबको नमस्कार, प्रणाम और सभी को। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जितने भी लोग हमारे सोशल मीडिया पे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं और अपनी बात पूछ रहे हैं, तो आपको सीधा सिंपल सा बात बता रहा हूं कि मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था। पिछले एक वीक से मैं अपने आप को दिखा रहा हूं डॉक्टर से, और डॉक्टर के अनुसार मुझे ट्रेवलिंग नहीं करना था, इसलिए मैं कहीं भी ट्रेवल नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने सबका न्यूज देखा, सबके विषय में पढ़ा, सबका पोस्ट पढ़ा, सबका कमेंट पढ़ा, सभी चीजों देखने के बाद, सभी सबका सब कुछ देखने के बाद मुझे क्या करना है वो आप लोग भले कुछ भी लिख दें, सोशल मीडिया है, लिखने पे किसी को पैसा नहीं लगता है। मैंने पोस्ट भी किया था, मैंने जब आकांक्षा दुबे के परिवार को अपने तरफ से जो भी एक मदद के तौर पे मैंने भेजा था, बट दो मिनट बाद मैंने इसलिए डिलीट किया कि मुझे ये समझ में आया कि यहाँ का विचारधारा सही नहीं है। और लेकिन हाँ, सबसे पहले उन सभी छोटे बड़े YouTube पे न्यूज बनाने वाले भाइयों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बिना किसी का भेदभाव किए, बिना किसी का चेहरा देखे, बिना किसी दबाव में आपने आकांक्षा दुबे के परिवार का आवाज अपना आवाज समझ के उठाया है। उसके लिए सभी YouTube पे छोटे बड़े मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने वो काम किया है जो काम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार को करना चाहिए था। आवाज सोशल मीडिया पे उठाना, आवाज लिख देना और आवाज उनके साथ पहुंच जाना, उनके कदम में कदम मिलाना। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप जिंदगी में किसी भी जगह पे हों, दुनिया के किसी भी मंच पे हों, चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे कोई प्राइवेट जॉब करते हों, किसी के भी सुख में रहिए या मत रहिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके दुख में जरूर रहिए। और इसलिए रहिए कि ये दुख जो होता है ये संसार में किसी को नहीं छोड़ता है। आज उस माँ को अगर तड़प है तो कल हो सकता है कि हमारी माँ भी तड़प जाए, किसी और के भी माँ तड़प जाए, क्योंकि ये संसार बनाने वाले ने ना वो हम सबसे बड़ा है। किसी को कुछ नहीं पता है कब किसके साथ क्या हो, इसलिए कहा जाता है कि हर किसी के दुख में खड़ा होना। अब सोचिए कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है ट्रेवलिंग करने से, एक सप्ताह का मुझे वो रेस्ट मिला था और उसी टाइम वो घटना हुआ। मैं बहुत प्रयास किया, मैंने कितना बार पूछा कि मुझे जाना है और मुझे मिलना है, बोला कि बस एक वीक के बाद आप चले जाइएगा। तो मैंने पर्सनली अपने फाइनेंशियल जो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, मैंने उनके माता जी का अकाउंट नंबर मांगा और मैंने उसमें अपने तरफ से जो मुझे शक्ति है, जिस तरह से मैं हमेशा, आप लोग जानते हैं मेरे विषय में, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, मैं चाहे बात किसी की हो, यूपी, बिहार, झारखंड, बात जब भी भोजपुरी समाज की होती है और खास करके अगर किसी भी वर्ग का, वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो चाहे कोई भी हो, वो बच्ची जिसका पैर कटा हुआ था, मुझे याद है एक कोई मोतिहारी में कोई एक भाई थे जिनका लीवर का प्रॉब्लम हुआ था, क्या याद हो नाम था उनका, मैंने कभी किसी से किसी भेदभाव और किसी स्वार्थ के लिए कभी किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है, और मेरा ऐसा सोच नहीं है और मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कलाकार हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हुए भी मुझे किसी का सपोर्ट का इंतजार नहीं रहता है और ना ही मैं कभी किसी से उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये उतना ही कड़वा सच है जितना नीम का पेड़ कड़वा होता है, बस इतना आप लोग जान लीजिएगा। ये उतना ही बड़ा कड़वा सत्य है जितना नीम का पेड़ कड़वा होता है, क्योंकि आज आप पूरे इंडस्ट्री की सिचुएशन और हालात देख लिए हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना मुझे पता चला, मैंने सुना कि अगर एक दो लोग गए भी थे उसके, शायद जब उसका वो घाट पे कुछ हो रहा था, जो कर्म होता है उसमें भी लोग इतने तेजी में निकले कि कोई देख न ले, तो ऐसी दुनिया और ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करने का, जहां पे आए दिन
अगर वही कलाकार जिंदा होता है तो मेरा प्रोग्राम कर दो, मेरा एल्बम कर दो, मेरा शो कर दो, तुम ही सबसे बड़े स्टार हो, तुम ये कर दो वो कर दो, तुम्हारा ये है वो है। वही वही आकांक्षा दुबे का डिमांड सबके तरफ से था। मैं तो खैर आज सच्चाई एक बता दूं, मैंने राजा तू तो जवान लड़का गाने के बाद मेरा 3 साल से कभी उनसे मेरी बात भी नहीं हुई है और मैं कभी कोई बातचीत नहीं किया हूं और उसके बाद मैंने काम भी नहीं किया, वो भाग्यवश जो भी था किस सिचुएशन में नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उनका ये जब घटना मुझे पता चला तो एक तो मैं अपने आप को बस यही बोलूँगा कि उस टाइम मेरे साथ भी मेडिकल प्रॉब्लम जो था वो नहीं होना चाहिए था ताकि मैं पहुँच जाता। लेकिन 3 साल बातचीत नहीं होने के बाद भी मैं बस यही सोच रहा था। उसके बाद मुझे एक चीज और बुरा लगा जो आप सबसे बोल रहा हूं। सबको पता है कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति का कैसा भी हो, उस व्यक्ति का बर्ताव कैसा भी हो, व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन जब आत्मा परमात्मा के पास चला जाता है तो वो स्वरूप भगवान का हो जाता है। और उनके घटना होने के बाद भी मैंने बहुत सारे कमेंट और लोगों का देखा कि उनके ऊपर गलत गलत वर्ड बोलना, वो उनके ऊपर गलत गलत तरह का इल्जाम लगाना, उनके विषय में, उनके नशा के विषय में पता नहीं क्या क्या बात करना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि याद रखिए कि हमारे हिंदुत्व समाज में कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का जब हो जाता है तो परमात्मा हो जाता है, और परमात्मा पे सवाल उठाने का आपको हक ही नहीं है। आप चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े उस्ताद हो, अगर आप सोशल मीडिया पे क्षणिक व्यूअर के लिए किसी के जाने के बाद उसके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं तो याद रखिएगा वो पैसा आपको बिल्कुल नहीं रसेगा। आज आप अगर उसके नाम से, उनके नाम पे 1000 तरह की बातें करके अपना व्यूअरशिप बटोर रहे हैं, चाहे आप उनके ऊपर गलत सलत वर्ड बोल रहे हैं, याद रखिएगा परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, कल परमात्मा आपका हिसाब कर देगा। इसलिए ये मुझे बहुत गलत लगा और मैं इस विषय का दिल से विरोध किया। मुझे दिल ही दिल लगा कि क्या यार, ऐसा क्या दुनिया हो गया है कि 2 पैसा कमाने के लिए किसी के जाने के बाद भी उस पर गलत गलत बातें, गलत गलत आरोप प्रत्यारोप लगाना। ठीक है, जो होना था वो हो गया, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप उसको सम्मान तो दे सकते हैं ना, उसकी मान मर्यादा तो रख सकते हैं ना। मैं मानता हूं कि आसान है सोशल मीडिया पे लिख देना, जो मन आए लिखना, बहुत सारी बातें लिखना, ये आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आप कुछ भी बोल देते हैं। आप कभी सोचे हैं किसी को गंदा लिखते हैं, किसी के बारे में गंदा बोलते हैं? और जो आप लोग सपोर्ट सपोर्ट चिल्ला रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग नहीं खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री पूरी बहरी और गूंगी है। ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हमको ये घटना पता ही नहीं है आकांक्षा दुबे वाला, सबको पता है। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ही सच है कि हम शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, हम ट्रेंडिंग हैं तो हम बेंडिंग हैं, तो हम बड़का हैं तो हम फलाना हैं, हम ठिकाना हैं, हम दुनिया हैं, हम ही भगवान हैं, और जब किसी का दुख है तो हम 0 बटा लड्डू हैं। दुख में हम किसी के खड़े नहीं हो सकते हैं। यूपी बिहार झारखंड से लेकर भोजपुरी में होने वाले तमाम घटना, किसी गरीब को ही जरूरत हो तो वहां पे कोई भी भोजपुरी कलाकार खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, वो अपने 10-15 चमचा बना के रखे हैं कि भैया ने दीवार तोड़ दिया, भैया ने इतिहास रच दिया, भैया ने पंप उखाड़ दिया, भैया ने फलाना कर दिया, भैया ने ठिकाना कर दिया, और ओरिजिनल में भैया ने 0 बटा लड्डू किया, जब अपने आप से शीशा के सामने पूछेंगे तो। लेकिन ये बात जिसने बोला वो सबसे बुरा, इस दुनिया का सबसे खराब कलाकार वो जो सच बोल दे। जिस तरह सब चापलूसी कर रहे हैं उसी तरह भाग्य तुम लिखते नहीं हो। थोड़ा सा लाइन का कनेक्शन कुछ भी हुआ था नेटवर्क का, तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जब भाग भगवान लिखते हैं, सबको अपने अपने किस्मत से मिलना है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है, कोई दे नहीं सकता है, तो फिर सच बोलने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, सच बोलोगे तो 10 को भक्त चिल्लाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, क्या हो गया, बोलने दो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं,
उससे क्या फर्क पड़ना है? अपनी बात तो आपको रखनी चाहिए ना। और मुझे मैं कभी भी बोलता हूं कि मुझे आपके मैसेज करने के बाद मैं किसी का ध्यान नहीं रखूंगा। आप अगर जो भी बैठे बैठे बंद रूम में भगवान बनते हैं, आप ये नहीं किए, आप वो नहीं किए हैं, आप लोग सिर्फ दिखावा के लिए तो सब लिख सकते हैं सोशल मीडिया पे, आपकी औकात नहीं है धूप में जाके मेहनत करना, और आपको ये भी नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाएंगे। इतनी हिम्मत है तो झंडा लेके खड़े हो जाइए आकांक्षा दुबे के लिए, हम मान जाएंगे कि आप लोग में पावर है। हो जाता है, मैं भी बंद रूम में भाषण दे रहा हूं, लेकिन मेरा भाषण के पहले मुझे जो करना है वो मैं कर दिया हूं, और मैं सिर्फ ये बताने आया हूं और ये बता रहा हूं। कि क्या 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 कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। तकलीफ ना दिखाया नहीं जाता है, और किसी भी चीज के ऊपर सवाल जवाब करने के ऊपर बहुत सोच समझ के पहले बात करना चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीजें होने के बाद, हर चीजों के बाद, हर एक प्लेटफॉर्म के बाद, हर चीज का एक तरीका बना है। आप भरोसा रखिए उस प्रशासन पे, भरोसा रखिए उस कोर्ट पे, भरोसा रखिए उस सरकार पे, भरोसा रखिए लोगों पे। आप अभी किसी के ऊपर कुछ भी करिए ना करिए, कम से कम उस परिवार के साथ आप खड़े तो होइए पहले आके। हम इंडस्ट्रीज हैं, हम ही भगवान हैं, हम तूफान मचा देते हैं, हम पूरा बाढ़ ले आ देते हैं, और उसी में 20-30 को भक्त हैं। आज अगर YouTube पे ये 10 को बच्चे जो है बेचारे मेहनत करते हैं, अगर वो भक्त आपका बनना बंद कर दें और आपके बारे में खाली चापलूसी छोड़कर वो जिस दिन से सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे, क्या हो जाएगा? सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, हमारे पटना के एक वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण भैया भी जुड़ गए हैं। भैया प्रणाम आपको, आप इस विषय को सुन रहे हो गंभीरता से, मुझे पता है। किसको तकलीफ नहीं है? 17 साल से तकलीफ झेल रहे हैं, क्या रोज तकलीफ आके सुनाएंगे और रोएंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री का काला सच किसको नहीं पता है कि अंदर अंदर कितना टॉर्चरिंग और कितना ड्रामा और कितना नौटंकी है? लेकिन बात वो भी नहीं है, कंपटीशन है तो इसमें होता है, 3, 5, 75, 80 होता है। एक दूसरे को लोग दबाते हैं, झूठ साच बोलते हैं, अंदर अंदर डार्कनेस है, अंदर अंदर बहुत सारे लोग काम करा के आपको एक एक पैसा नहीं देते हैं, आपको कष्ट देते हैं, कितने लोग गाना फ्लॉप करवाते हैं, गाना खराब, बहुत सारी टेंशन है। लेकिन सब चीज एक तरफ, दुख में शामिल होना एक तरफ, कंपटीशन अलग बात है, किसी को नीचा दिखाना, ऊपर करना, चापलूसी करना, आप करिए ना, दिन भर पैर धोके पिए ना, कौन मना किया है? टैलेंट में और चापलूसी में यही फर्क है कि टैलेंट अपने दम पे चलता है और चापलूसी कुछ दिनों के लिए चलता है। कितना मारेंगे आप मेहनत किसी का? कितना मारेंगे? आप राकेश मिश्रा को मार ही तो रहे 15 साल से, और आप आज भी खुश हैं कि आपके वो चहेते जो चहेते लोग हैं वो आज भी आपके भक्त बन के घूम रहे हैं, इसलिए आप खुश हैं कि हम कुछ भी कर देते हैं तो ये लोग तो हमारा भक्त है ही ना, ये लोग थोड़े इधर से उधर होना है। अरे समझिए, ये दुख सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं आता है, सबके लिए आता है। किसी की तबीयत खराब में दुख होती है, किसी का कुछ दुख होता है, किसी का कुछ दुख होता है, लेकिन दुख और सुख का जीवन का एक प्रचलन ये चलेगा और ये चलते रहेगा। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा मेरे मनीष कश्यप के बारे में, क्या हम आपको बोले मनीष कश्यप के बारे में? यही बोले कि आप मनीष कश्यप के नाम पर रोटी सेक रहे हैं तो हम भी रोटी सेके हैं। हम उनके दुख में खड़े हैं तो उनके दुख में आपको दिखाएंगे कि हम कैसे खड़े हैं। हम दुनिया में किसी से भी अगर जुड़े हैं ना तो हम उससे पर्सनल रिश्ता रखते हैं, प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रखते हैं। ये मेरे विषय में जान जाइए, जिनको जवाब चाहिए था ना, तो मनीष कश्यप को मैं उनको मानता हूं तो मैं दिखावे के लिए नहीं मानता हूं। मुझे उनके नाम पे रोटी नहीं सेकना है। उनके प्रोफेशनल लाइफ में वो अपना काम कैसे करते हैं उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया है।
कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारा लाइफ कैसा है, हम कितने लोग, हमको वो नहीं पता है, तो हम उस चीज में क्या बोल सकते हैं? हम बिना जाने हम कैसे रोटी सेकने आ जाए? आपको तो नहीं जानकारी है, फिर भी आप दिन भर रोटी सेक रहे उनके नाम पे। अगर आप दुनिया में उतना ही उनको प्यार करते हैं तो जाते हैं उनके परिवार को उठा के अपने घर पे लाते हैं, 6 महीना रखिए, तो हम मान जाएंगे कि आप बहुत प्यार करते हैं। सोशल मीडिया पे लिखने वाला प्यार और दिखाने वाला प्यार और अपना अपना टीआरपी के लिए रोटी सेकने वाला प्यार बहुत अलग होता है। किसी का भी प्रोफेशनल लाइफ है, मेरा ही प्रोफेशनल लाइफ है, कहीं कल बात कोई बात हो तो हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो उसका एक तरीका है, हम दिल से दुआ करेंगे, हम आज भी दुआ कर रहे हैं, कल भी दुआ करेंगे, परसों भी दुआ करेंगे कि दुनिया में हमेशा उनका नाम हो, वो अच्छा काम करे, सब कुछ अच्छा करे। हर बात पे सिर्फ एक, सारे लोग का एक ही बस मोटो है कि फेसबुक और इंस्टा का जमाना आ गया है, जो लिखना है लिख दो। अरे हम क्यों बताएं तुमको कि हम किसको कितना प्यार करते हैं, किस तरह से करते हैं? तुम रोटी सेको दिन भर जितना सेकना है, रोटी सेक ही रहे हो। तुम धूप में मेहनत करके पढ़े नहीं ना हुए हो, सोशल मीडिया आया है तो बकबक करके अपना जीवन चला रहे हो, वो भी सिर्फ फेसबुक पे ये बकबक करने वाले लोग। वरना आज मैंने बोला ना कि जितने भी यूट्यूब पे आज लड़के हैं, आज उनको धन्यवाद मैंने इसलिए दे रहा हूं, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि उसमें कुछ लोग गलत करते हैं, लेकिन आज वो सारे लोग जो कल तक राकेश मिश्रा को बुरे भी बोलते थे, मुझे बहुत सारी गालियां भी देते थे, मैं आज उनको भी बोल रहा हूं कि वो सभी लोग, वो सभी लोग, सभी प्यारे लोग जिन्होंने सपोर्ट के लिए खड़ा है, सब लोग एक साथ आवाज उठा रहे हैं ना, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, प्यार कर रहे हैं ना, सब एक दूसरे के लिए बात तो रख रहे हैं ना। मेरा सिर्फ पूरे पूरे लाइफ का एक ही मैटर है कि कुछ भी हो, हम अच्छे हो बुरे हो, हमसे आपको नाराजगी हो, कितना भी नाराजगी हो, दुख हो सुख हो, तो कुछ भी सुख में रहिए या मत रहिए, आपको कितनी भी नाराजगी हो तकलीफ हो, लेकिन दुख हो तो वो चाहे किसी भी लेवल का हो, आप एक बार उनके साथ जरूर खड़ा हुई है। मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बातें बहुत लोगों को चुभेगी, और चुभेगी क्या, ये तो सिस्टम है सोशल मीडिया का, आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, 60% लोग आपको सही बोलेंगे तो 40% लोग गाली लिखेंगे, अब इसमें तो कोई विचार रख नहीं सकता है। सोशल मीडिया से दूरी बनाने का और लाइव नहीं आने का रीजन क्या है? विचार अगर सही बात बोल दो तो काट जैसा चुभ जाता है, चापलूसी कर दो तो बाबा बाबा वो हो नहीं पाएगा अपने से। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि दुख ऐसी चीज है कि बस उस टाइम किसी को कुछ देखना नहीं चाहिए, और इस दुनिया में सुख दुख का तांता लगा रहता है, कभी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी किसी के लाइफ में कुछ भी समस्या, और हम जब अगर कहते हैं सिर्फ कहने के लिए अगर परिवार है तब तो कोई बात नहीं, और अगर कहते हैं कि हम एक परिवार हैं तो एक परिवार की तरह एक दूसरे का हालचाल लेना, उसके विषय में जानकारी रखना, उसके पास जाना, अपनी बात रखना जरूरी होती है। मैंने, मेरा कोई शिकायत नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा है कि मुझे ये चीजें, मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं एक 0 पॉइंट आदमी हूं, 0 पॉइंट आदमी था, 0 पॉइंट ही रहूंगा, मुझे पता है मैं कोई भगवान नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर ईश्वर ने हमको शरीर दिया है मनुष्य का तो मेरे से 1% होता है, 1% कर पाता हूं, जितना परसेंट होता है उतना परसेंट कोशिश करता हूं कि मेरे से हो जाए, और मैं इससे बड़ा नहीं हूं। अगर मेरी बात किसी भी तरह से किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूं दोनों हाथ जोड़ के, लेकिन अंतिम बात फिर बोलूंगा कि दुख को दुख समझिए, दुख का मजाक मत उड़ाइए, खेलिए मत, अपने स्वार्थ के लिए एकदम मत खेलिए। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन आएगा जहां पे आप पैसा कमा लेंगे, खेल सकते हैं। बस जय भोजपुरी, जय हो आप सबका, प्रणाम।